हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द फेज कैरेक्टराइज्ड बाय द अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट इक्वेटर इज ए प्रोफेज, बी एनाफेज, सी मेटाफेज, डी टेलोफेज। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें पूछा क्या है, हमें ये पूछ रहा है कि अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट द इक्वेटर वो हमें कौन से फेज में देखने को मिलता है, प्रोफेज में, एनाफेज में, मेटाफेज में या टेलोफेज में। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक की कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है, ये एक नॉर्मल साइकिल है इन ए नॉर्मल सेल बिटवीन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड सेल डिवीजन। एक नॉर्मल सेल जो होता है वो क्या करता है, वो पहले ग्रोथ करता है, फिर डेवलपमेंट होती है और इवेंचुअली वो डिवाइड कर जाता है टू फॉर्म द डॉटर सेल्स, और वो डॉटर सेल्स फिर से इस साइकिल को दोहराती हैं, फिर से ग्रो करती हैं, डेवलप करती हैं और फर्दर सेल डिवीजन करती हैं। क्योंकि ये एक साइक्लिक मैनर में चलता है इसीलिए हम इसे सेल साइकिल कह सकते हैं। अभी सेल साइकिल को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इंटू टू पार्ट, इंटरफेज एंड एम फेज। एम फेज को हम डिविजनल फेज के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे जो एम फेज है, यहाँ पे एम स्टैंड करता है फॉर द माइटोसिस। जो इंटरफेज होता है ये वो फेज होता है जहां पे कि सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर द सेलुलर डिवीजन, बट एक्चुअल सेलुलर डिवीजन हमें देखने को मिलता है इन द एम फेज। इंटरफेज को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इंटू थ्री पार्ट, जी वन फेज, एस फेज एंड जी टू फेज में। जो जी वन फेज है इसे हम ग्रोथ फेज वन के नाम से भी जानते हैं, एस फेज को हम सिंथेसिस फेज के नाम से भी जानते हैं और जी टू फेज को हम ग्रोथ फेज टू के नाम से भी जानते हैं के नाम से भी जानते हैं। तो अभी एम फेज जो होता है, एम फेज को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू फोर पार्ट्स, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। जो जीवन फेज है वहां पे क्या होता है, वहां पे नॉर्मल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द सेल होता है टू एंड अप टू द सेल, अप टू द डीएनए सिंथेसिस। मींस जीवन फेज में वहां पे क्या होता है, वहां पे ग्रोथ ऑफ द सेल होता है ताकि वो डीएनए सिंथेसिस कर सके, बट एक्चुअल डीएनए सिंथेसिस हमें देखने को मिलता है इन द एस फेज। एस फेज में हमें डीएनए सिंथेसिस देखने को मिलता है या डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए सिंथेसिस हमें देखने को मिलता है इन द एस फेज। जीवन फेज में हमें ग्रोथ देखने को मिलता है एंड डेवलपमेंट देखने को मिलता है और डीएनए सिंथेसिस हमें देखने को मिलता है इन द एस फेज। और जी टू फेज में यहाँ पे अगर कोई डिफेक्ट रह जाती है रेप्लिकेशन के वक्त तो उस डिफेक्ट को सुधारा जाता है इन द जी टू फेज। अभी प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में जो डीएनए सिंथेसाइज हुई है उस डीएनए का कंडेंसेशन शुरू होता है टू फॉर्म द क्रोमोसोम्स। मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स है वो अपने आप को अलाइन करते हैं इन द इक्वेटर। ठीक है बच्चों, सो हमें मिल जाता है द अलाइनमेंट ऑफ द alignment of chromosome at the equator, ये हमें देखने को मिलता है इन द मेटाफेज। एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में यहाँ पे जो जो क्रोमोसोम्स अपने आप को इक्वेटर में अलाइन किए हुए हैं उन उनमें सेंट्रोमियर जो होता है वो स्प्लिट कर जाता है और क्रोमाटिड सेपरेट हो जाते हैं, मूव करना शुरू करते हैं टुवर्ड देयर रेस्पेक्टिव ओपोजिट पोल्स। टेलोफेज में क्या होता है, टेलोफेज में जो क्रोमाटिड्स अपने रेस्पेक्टिव ओपोजिट पोल्स में पहुंच चुके हैं उनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होती है और हमें मिलता है टू डॉटर न्यूक्लियस इन द टेलोफेज। तो हमें हमारा आंसर मिल गया, द अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट द इक्वेटर हमें देखने को मिलता है इन द मेटाफेज। तो द आंसर इज ऑप्शन सी, मेटाफेज। होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, थैंक यू।